से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। बाइक को मास्टर की लगाकर किया चोरी, गीता फोगाट के साथ दौड़े पटना वासी, जवानों ने ली तंबाकू छोड़ने की शपथ। अब खबरें विस्तार से। जालंधर में एक घर के आगे खड़ी मोटरसाइकिल को चोरों ने शातिराना अंदाज में चोरी कर लिया। चोरों ने मास्टर की लगाकर बाइक को अनलॉक किया और चोरी कर भाग गए। घटना शनिवार शाम 4:30 बजे की है। घटना दो घरों की सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने घटना की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंप दी है। हाफ मैराथन में रविवार की सुबह पटनावासी राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता भारतीय महिला फ्रीस्टाइल पहलवान गीता फोगाट के साथ दौड़ लगाई। गांधी मैदान में कमिश्नर और जिलाधिकारी ने मैराथन की पहली 21 वर्ग किमी की दौड़ में शामिल प्रतिभागियों को झंडी दिखाकर दौड़ शुरू कराई। धावकों का उत्साह बढ़ाने के लिए बिहार सरकार के मंत्री नंदकिशोर यादव और ललन सिंह भी मैराथन में शामिल हुए। आरपीएफ चौकी घोड़ा डोंगरी देश की पहली तंबाकू मुक्त चौकी बन गई है। मध्य रेल नागपुर मंडल के आरपीएफ वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त ज्योति कुमार सतीजा ने घोड़ा डोंगरी पहुंचकर चौकी के स्टाफ को तंबाकू मुक्त करने का संकल्प दिलाया और जवानों ने तंबाकू जैसे व्यसन को छोड़ दिया। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।